So welcome students. In our previous lecture, we discussed some basic concept related to the cultivation of bacterial species in laboratory condition. यहाँ पर हमने preparation of basal media study किया है. Basal media के जो अलग अलग component है and the role of different components इसे study किया था. अब हम study करेंगे various type of bacteriological media depending upon their use. Okay, in case of cultivation of bacteria, our next concept is to study the different type of bacteriological media that are generally used in microbiological laboratory. Okay, अब depending upon the role, depending upon the function, जिसलिए इस मीडिया को यूज़ किया जा रहा है, जिसलिए इस मीडिया पर कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया कैरी आउट किया जा रहा है, जितने भी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियाज है इन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. जो सबसे पहला डिवीजन आएगा हमारा, द फर्स्ट टाइप ऑफ डिवीजन, इट इज़ डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ऑफ कल्चर मीडिया. ठीक है, इसे हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था. एंड डिपेंडिंग ऑन दिस स्टेट ऑफ कल्चर मीडिया, बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया आर बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स एज द सॉलिड मीडियम. सबसे पहले जो हमारे पास आता है ये है सॉलिड मीडिया. दिस सॉलिड मीडिया कंटेन एडिशन ऑफ 2% अगार पाउडर, बैक्टीरियोलॉजिकल अगार पाउडर इन द कंपोनेंट सिस्टम. जो भी इंग्रेडिएंट है इन इंग्रेडिएंट के साथ अगर हम वाटर में अगार पाउडर भी डिसॉल्व करते हैं तो जो मीडिया तैयार होगा इसे कहा जाएगा सॉलिड मीडिया. देन वी हैव सेमी सॉलिड मीडियम. इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेमी सॉलिड मीडिया और यहाँ पर 0.2 to 0.5% अगार पाउडर इज एडेड. यह कंप्लीटली सॉलिडिफाइंग नहीं होता है. ठीक है, इट इज अ मीडिया प्रेजेंट इन इट सेमी सॉलिड स्टेट टू स्टडी द बैक्टीरिया हैविंग मोटिलिटी. अगर हमें बैक्टीरिया की मोटिलिटी स्टडी करना है तो इस कंडीशन में यह सेमी सॉलिड मीडिया प्रिपेयर किया जाएगा. एंड द थर्ड टाइप इज लिक्विड मीडिया. ठीक है, लिक्विड मीडिया को हम जनरली कहेंगे ब्रोथ. तो डिपेंडिंग ऑन इट्स स्टेट, जो भी बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया है इनिशियली इन तीन अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किए जाएंगे. सॉलिड मीडियम विद 2% अगार पाउडर, देन सेमी सॉलिड मीडियम अप टू 0.5% अगार पाउडर, एंड लास्टली यहाँ पर आएगा द लिक्विड मीडियम. द सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, depending on their gaseous requirement, ठीक है, इनका gaseous requirement क्या है. अब ये मीडिया अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया के लिए भी यूज किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन gaseous requirement. लाइक फर्स्ट टाइप aerobic मीडिया, एंड दिस एरोबिक मीडिया इज यूज फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया. अगर बैक्टीरिया एरोबिक है गैसियस रिक्वायरमेंट में, इट नीड ऑक्सीजन फॉर इट्स नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो उस टाइप के मीडिया को यहाँ कहा जाएगा एरोबिक मीडिया. सेकेंड वन एनएरोबिक मीडिया. इफ अ बैक्टीरियल स्पेसीज to be cultivated is belong to a category of anaerobes, then we have to use another category of media which support the growth and multiplication of these type of bacteria. इन्हें कहा जाएगा anaerobic type of culture media. तो ये दो fundamental type के medium हो गए, पहले state of media and gaseous रिक्वायरमेंट. जो थर्ड कैटेगरी अब हमारे पास आता है यहाँ पर, इन केस ऑफ थर्ड कैटेगरी डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल रोल ऑफ दैट मीडियम, वी हैव वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल मीडिया.
जो बैक्टीरियल मीडिया हम तैयार करने हैं, इस बैक्टीरियल मीडियम का एक्चुअल रोल क्या है, एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट फैक्टर बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया आर क्लासिफाइड इनटू वैरायटी ऑफ टाइप्स. लाइक फर्स्ट वन इज अ सिंपल बेसल मीडियम. सबसे पहले क्या है, ये एक सिंपल बेसल मीडियम है. बेसल मीडियम ये दो टाइप का होता है. अगर लिक्विड कंडीशन में है तो इसे हमें कहना है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, एंड इफ इट इज प्रेजेंट इन सॉलिड कंडीशन इट इज रेफर्ड एज न्यूट्रिएंट अगार. सो वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ बेसल मीडियम. बेसल मीडियम कंटेनिंग द बेसिक कंपोजिशन. मीडिया में जो भी इंग्रेडिएंट है, ये फंडामेंटल एंड बेसिक इंग्रेडिएंट है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे. इट इंक्लूड द पेप्टोन, अलॉन्ग विथ पेप्टोन ईस्ट एक्सट्रैक्ट, द मीट एक्सट्रैक्ट और द बीफ एक्सट्रैक्ट कंटेनिंग NaCl. इस टाइप से जो मीडिया तैयार होता है इसे कहेंगे हम बेसल मीडियम, जो एक जनरलाइज्ड कैटेगरी है पैथोजेंस की या फिर बैक्टीरिया की. इस जनरलाइज कैटेगरी को कल्टीवेट करने के लिए नॉर्मली यूज करेंगे हम बेसल मीडियम. और बाकी जो भी मीडिया है, द रिमेनिंग टाइप ऑफ मीडियम आर ऑब्टेन बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ बेसल मीडियम. इस बेसल मीडियम के कंपोजिशन को ही चेंज कर बाकी अलग अलग टाइप के मीडिया तैयार किए जाते हैं. जहाँ पर सेकेंड कैटेगरी ऑफ मीडियम इट इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक मीडियम. कॉम्प्लेक्स मीडिया और अ नॉन सिंथेटिक टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया, एंड दिस मीडिया इज ऑल्सो अनडिफाइंड टाइप ऑफ मीडिया. ये मीडिया इसी के साथ अनडिफाइंड टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया होता है. अब यहाँ पर इस टाइप के मीडिया का जो कंपोजिशन है, यहाँ दो अलग अलग कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. पहला, यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेसल मीडियम. इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसल मीडियम. यहाँ सबसे पहले बेसल मीडियम के सभी इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होंगे, एंड अलोंग विद बेसल मीडियम सेकंड कंपोजिशन जो है यहाँ पर, इट कंटेन वेरियस कंपोनेंट ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेस. ओके, अलग अलग कंपोनेंट जिन्हें बायोलॉजिकल सोर्सेस से ऑब्टेन किया जाएगा. अब इस बायोलॉजिकल सोर्सेज से ऑप्टेन किए जाने वाले जो भी कंपोनेंट है, लाइक एडिशन ऑफ मिल्क, एडिशन ऑफ एग योल्क, एडिशन ऑफ कोकोनट वाटर, इस टाइप के जो भी कंपोनेंट्स है ना, ऑल ऑफ दिस कंपोनेंट्स आर ऑप्टेन फ्रॉम the biological origin. It also include addition of blood or serum to favor the growth of specific category of bacteria. So these components, चाहे milk हो, egg yolk है, coconut water है या फिर blood और serum है, all these components are obtained from the biological origin. So, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगर कोई मीडिया प्रिपेयर किया जाता है तो उसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स मीडियम और नॉन सिंथेटिक मीडियम और अनडिफाइंड मीडियम. इसे अनडिफाइंड कहा गया है बिकॉज ये जो एडेड कंपोनेंट है बायोलॉजिकल सोर्सेज से ऑप्टेन किए जाने वाले, ऑल दीज कंपोनेंट्स आर एडेड इन देयर रैंडम अमाउंट. ओके, ये किस अमाउंट में ऐड करना है इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है. इन्हें रैंडमली बेसल मीडिया के साथ कंबाइन कर दिया जाएगा. बेसल मीडियम के कंपोनेंट तो वहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट है, उसी के साथ अगर वहाँ मिल्क ऐड कर देते हैं या फिर वहाँ पर हम कोकोनट वाटर ऐड करेंगे, ब्लड ऐड करेंगे, सीरम ऐड करेंगे, बट एडिशन किस तरह से होगा, रैंडम अमाउंट में. द एडिशन ऑफ दिस कंपाउंड इज नॉट फिक्स्ड किस क्वांटिटी में ऐड करना है. ओके, रैंडम अमाउंट या फिर इसे हम कहेंगे रैंडम क्वांटिटी, इट इज नॉट डिफाइंड. इनकी क्वांटिटी डिफाइंड नहीं होती है.
अलग अलग लेबोरेटरीज़ में जो भी पीपल इसके साथ काम करते हैं, अलग अलग साइंटिस्ट, अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन प्रिपरेशन, इसे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन में, डिफरेंट क्वांटिटी में बेसल मीडिया के साथ मिक्स करेंगे, और इसीलिए इस टाइप के मीडियम को कहा जाता है अनडिफाइंड मीडियम। द थर्ड कैटेगरी जो मीडिया की हमारे पास आती है, इट इज कॉल्ड एज सिंथेटिक। क्या कहेंगे हम इसे? सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम। ओके, द मोस्ट कॉमनली यूज मीडियम इन बायोलॉजिकल लेबोरेटरीज आर द सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम। दीज मीडिया आर प्योरली सिंथेसाइज बाई यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ केमिकल। और यहां पे जो भी केमिकल कंपोजिशन है, इस केमिकल कंपोजिशन का क्वांटिटी जो ऐड करेंगे, इस क्वांटिटी हमेशा फिक्स होती है विथ अनोन क्वांटिटी, अनोन कॉन्सेंट्रेशन। कॉम्प्लेक्स मीडिया में केमिकल तो हम बायोलॉजिकल सोर्सेस से ऑप्टेन करेंगे, वहां पर ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी केमिकल ऐड करते हैं, दिस केमिकल्स आर नॉन बायोलॉजिकल केमिकल्स, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड केमिकल्स होंगे, लाइक वेरियस टाइप ऑफ डाइज, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। यहाँ पर इंक्लूड क्या होता है? इट इंक्लूड डाइज। ओके, अलग अलग टाइप के डाई यहाँ पर होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, अदर डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट, ये सभी मिक्स करके टोटली प्योरली केमिकली सिंथेटिक मीडियम होता है। ये सभी जो कंपोनेंट है ये केमिकली सिंथेसाइज किए जाते हैं, एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट का जो क्वांटिटी है, जो अमाउंट है, इस मीडियम में ऐड किया जाएगा, दैट अमाउंट और क्वांटिटी इज ऑलवेज फिक्स्ड। इसीलिए इसे कहा जाता है सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया। जितने भी अलग अलग टाइप के मीडिया लेबोरेटरी में यूज किए जाते हैं, ऑल दीज मीडिया बेसिकली बिलोंग टू दिस कैटेगरी, सिंथेटिक और द डिफाइंड मीडिया। हमें इसी सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया के अलग अलग टाइप स्टडी करना है। दिस सिंथेटिक और डिफाइंड मीडियम, डिपेंडिंग अपॉन इट्स रोल, क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, इसे अलग अलग टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। लाइक द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस मीडियम इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडियम। ये सभी हम कहा देखेंगे, अभी थर्ड कैटेगरी डिस्कस करते हैं सिंथेटिक मीडिया की। ओके, सिंथेटिक मीडिया में भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिपरेशंस है, डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। यहां पर सबसे पहले जो मीडिया आएगा, इसे हम कहेंगे एनरिच्ड मीडिया। क्या कहेंगे? एनरिच्ड मीडिया। Now, in case of enriched media, addition of different components which are obtained from biological or the non-biological sources, यहाँ पर काफ़ी अलग अलग टाइप के कंपोनेंट ऐड किए जाएंगे, जो either biological sources से obtained होते हैं और non-biological sources से obtained होंगे, दोनों टाइप से, but with their known quantity. इन्हें रैंडमली ऐड नहीं किया जाएगा, हैविंग अ नोन क्वांटिटी और नोन कॉन्सेंट्रेशन इन अ डिफाइंड वे, उस टाइप के सिंथेटिक मीडिया को हमें कहना है एनरिच मीडिया। इसके काफी सारे टाइप होते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज एनरिच मीडिया इज अ ब्लड अगार, एडिशन ऑफ ब्लड डायरेक्टली इन टू द मीडियम, इसे हमने अगार कहा है। इट मीन्स दिस मीडिया इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड फॉर्म फॉर द ग्रोथ ऑफ फास्टिडियस बैक्टीरिया। ओके, जो बैक्टीरिया फास्टिडियस कैटेगरी में आते हैं, इन फास्टिडियस बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जनरली इस ब्लड अगार को यूज किया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ एनरिच्ड मीडिया। सेकेंड टाइप, we have enrichment media. दूसरा टाइप क्या आएगा हमारे पास अभी यहां पर? It is a type enrichment
media. Now, in case of enrichment media, the addition is done to favor a growth of selected species. It favors the growth of selected bacteria only. From a source where bacteria are obtained, जहाँ से इन बैक्टीरिया को ऑब्टेन किया जाता है उस पर्टिकुलर सोर्स से, अगर हमें किसी एक या दो टिपिकल टाइप ऑफ बैक्टीरिया का ही आइसोलेशन करना है, उन्हें ही स्टडी करना है, इट मीन्स वी आर नीड टू अवॉइड द ग्रोथ ऑफ अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया. बाकी सारे टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ हमें वहाँ अवॉइड करनी है. लाइक वी हैव टू आइसोलेट और वी हैव टू स्टडी ओनली ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम अ टिपिकल टाइप ऑफ सोर्स. उस कंडीशन में हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ अवॉइड करना है. अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्टडी करना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ अवॉइड करना है. तो इस पर्पज़ के लिए जो मीडिया यूज़ किया जाता है उसे कहा जाएगा एनरिचमेंट मीडिया. दिस एनरिचमेंट मीडिया इज प्रिपेयर टू फेवर अ ग्रोथ ऑफ सिलेक्टेड बैक्टेरियल स्पेसीज. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेट्राथायोनेट ब्रॉथ. ओके, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ और सेलेनाइट ब्रॉथ. नाउ दीज आर द टाइप ऑफ लिक्विड मीडियम विच फेवर द ग्रोथ ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया लाइक साल्मोनेला, शिगेला. ठीक है, इन्हीं टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ ये फेवर करेगा. अगर उस पर्टिकुलर सोर्स में बाकी सारे टाइप के बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है लेकिन ये बैक्टीरिया इन मीडियम में ग्रो नहीं हो सकते ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट. यहाँ इस टाइप के केमिकल इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड बैक्टीरिया कंप्लीटली. लाइक इन बोथ ऑफ दिस कंडीशन, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ एंड सेलेनाइट ब्रॉथ, the growth of another category of bacteria like coliform bacteria, जो coliform category के bacteria है, gram negative है लेकिन belong करते हैं एक separate category में gram negative के, called as coliform bacteria. इस type के bacteria की growth ये totally inhibit करेंगे. इन्हें कहा जाता है enrichment media. Now this is achieved by addition of different type of component. फिर यहाँ अलग अलग टाइप के सॉल्ट होते हैं जो सॉल्ट सिलेक्टिवली किसी बैक्टीरियल स्पीसीज के, एक ब्रॉड कैटेगरी, ठीक है, एक या दो बैक्टीरिया नहीं, वी हैव टू इनहिबिट द एंटायर कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया. जैसे यहाँ कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की ही ग्रोथ इनहिबिट की गई है, बाकी तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ग्रो होते हैं. साल्मोनेला इज अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, शिगेला इज अ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, बट वी सिलेक्टिवली इनहिबिटेड द ग्रोथ ऑफ ग्राम निगेटिव कोलीफॉर्म बैक्टीरिया लाइक ई कोलाय, इशर्शिया कोलाय. इस बैक्टीरिया का जो भी ग्रोथ है इन दो टाइप के मीडियम में, इसे इनहिबिट किया है. यानी एक कैटेगरी ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हम ग्रो करना चाहते हैं, दूसरी ग्राम निगेटिव की कैटेगरी ई कोलाय कोलीफॉर्म, इसकी ग्रोथ इनहिबिट करना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है एनरिचमेंट मीडिया. एंड द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज टोटली इनहिबिटेड. ठीक है, ग्राम निगेटिव तो इनहिबिट है ही लेकिन पार्शियली इनहिबिट है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए इनहिबिट है. जो ग्राम पॉजिटिव काइंड ऑफ बैक्टीरिया है इस टाइप के मीडिया में, इसे टोटली इनहिबिट किया गया है, इसे कहेंगे हम एनरिचमेंट मीडिया. नाउ थर्ड वन, इट इज अ टाइप ऑफ सिलेक्टिव मीडिया. तीसरी कैटेगरी क्या है? सिलेक्टिव मीडिया. ओके, अगेन सिलेक्टिव मीडिया इज अ टाइप ऑफ एनरिचमेंट मीडिया. इट इज अ टाइप ऑफ एनरिचमेंट मीडिया बट प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट. द सेम टाइप,
एनरिचमेंट मीडिया ये लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जैसे यहाँ पर हमने ब्रॉथ कहा है, टेट्राथायोनेट ब्रॉथ, सेलेनाइट ब्रॉथ। लेकिन अगर इसी मीडियम को हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कहा जाएगा सिलेक्टिव मीडियम, एंड दिस सिलेक्टिव मीडियम इज यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक सिलेक्शन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिस अमंग द बैक्टीरियल पॉपुलेशन। जो भी बैक्टीरियल पॉपुलेशन प्रेजेंट होगा इन अ गिवन सोर्स, जहाँ से हमें बैक्टीरिया आइसोलेट करना है, लाइक हम सॉइल से बैक्टीरिया आइसोलेट करना चाहते हैं, या वेस्ट वाटर से बैक्टीरिया आइसोलेट करना चाहते हैं, सीवेज वाटर से, या फिर किसी टाइप का सैंपल है हमारे पास, ब्लड सैंपल है, यूरिन सैंपल है, ओके, ऑल दिस टाइप ऑफ सैंपल। अगर हमें किसी एक ही टाइप के बैक्टीरिया का प्रेजेंस या अब्सेंस डिटेक्ट करना है तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन स्टेट दो मीडियम, पहला एनरिचमेंट एंड सेकेंड द सिलेक्टिव मीडिया। डिफरेंस क्या है दोनों में? द ओनली डिफरेंस इज देयर स्टेट। सिलेक्टिव मीडिया इज प्रेजेंट इन अ सॉलिड स्टेट, एनरिचमेंट मीडिया इज प्रेजेंट इन अ लिक्विड स्टेट। ओके, अब सिलेक्टिव मीडियम में अ सिलेक्टेड बैक्टीरियल स्पेसिस कैन ओनली ग्रो ऑन दैट मीडियम। यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट की गई ही स्पेसिस ग्रो हो सकती है, लाइक हमें बाकी सारे पॉपुलेशन अवॉइड करना है। अगर यहाँ हम देखें सिलेक्टिव मीडियम में, तो यहाँ हमारे पास आएगा बैसिलस आइसोलेशन अगार, अ टाइप ऑफ मीडियम, ओके, इट इज अ बैसिलस आइसोलेशन अगार। इट ओनली फेवर द ग्रोथ ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया विथ बैसिलस स्टेट। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरिया जो है, इन ग्राम पॉजिटिव रॉड बैक्टीरिया को ही आइसोलेट कर सकते हैं। अगेन वी हैव मैकोंकी अगार, मैकोंकी अगार, दिस मैकोंकी अगार अगेन फेवर द ग्रोथ ऑफ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मैकोंकी अगार ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया की ग्रोथ फेवर करेगा, ठीक है, वहाँ पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की ग्रोथ टोटली इनहिबिट किया जाएगा। अगेन वी हैव सुडोमोनास आइसोलेशन अगार। सो ये जो अलग अलग टाइप के मीडियम है, दीज डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम आर यूज्ड फॉर द सिलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिस। यहाँ एंटायर पॉपुलेशन हमें आइसोलेट नहीं करना है, यहाँ पर बस एक सिलेक्टेड बैक्टीरियल स्पेसिस का आइसोलेशन हम चाहते हैं, इसीलिए एनरिचमेंट मीडिया यूज किया जाता है, सिलेक्टिव मीडिया यूज किया जाता है फॉर डायरेक्ट डिटेक्ट। अगर करना है, अगर हमारे पास कोई सैंपल है, लेबोरेटरी सैंपल है, सीरम है, यूरिन सैंपल है, वहाँ पर हमें एक बैक्टीरिया का प्रेजेंस डिटेक्ट करना है, तो ये डिटेक्शन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा, आइसोलेशन के पर्पज़ के लिए भी यूज़ किया जाएगा। थर्ड मीडिया क्या है हमारा? सिलेक्टिव मीडियम। नाउ द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक मीडिया, इट इज अ डिफरेंशियल टाइप ऑफ मीडियम। ओके, क्या है? डिफरेंशियल मीडिया। अब डिफरेंशियल मीडिया क्या है? A differential media is used to carry out a differentiation between bacterial species. क्या करना है यहाँ पर? Differentiation based on certain indications. Okay. क्या करना है यहाँ पर? Differentiation based on सर्टन टाइप ऑफ इंडिकेशन। अब ये जो भी टाइप के इंडिकेशन यहाँ पर हमें मिलते हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्पेसिस। दो टाइप के बैक्टीरियल स्पेसिस को हमें अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है, सो वी कैन ईजीली आइडेंटिफाई एंड आइसोलेट दोज बैक्टीरिया सेपरेटली। दो अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को फॉर देयर इजी आइसोलेशन एंड फॉर देयर इजी सेपरेशन हमें यहाँ पर कैरी आउट करना है, तो हम देखेंगे किस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल वी हैव दिस मीडियम मैकोंकी अगार, ठीक है, एक मीडियम हमारे पास है, इट इज ऑल्सो एक्ट एज
और डिफरेंशियल मीडिया, ये सिलेक्टिव मीडिया भी है, ये डिफरेंशियल मीडिया है। अब मैकॉन के आधार पर जो भी ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरिया ग्रो हो गए, ये दो अलग अलग फॉर्म में ग्रो हो गए। दे प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ मार्क्ड बैक्टीरियल कॉलोनीज। ओके, आइदर द बैक्टीरिया अपियर्स पिंक कलर, जो कॉलोनी यहाँ पर अपियर होती है, आइदर बैक्टीरियल कॉलोनी अपियर पिंक इन कलर और दे अपियर वाइट टू पेल इन कलर। सो दीज आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिकेटर ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। जो भी पॉपुलेशन यहाँ पर ग्रो होती है मैकॉन की, अगर प्रीडोमिनेंटली इट इज यूज फॉर ग्राम निगेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इसे हम ग्राम निगेटिव टाइप के बैक्टीरियल स्पीसीज के आइसोलेशन के लिए, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। मोस्ट प्रीडोमिनेंटली बैक्टीरिया बिलोंगिंग टू कैटेगरी ऑफ कोलीफॉर्म, कोलीफॉर्म कैटेगरी के बैक्टीरिया जिसमें ई कोलाई प्रेजेंट है, इन सभी टाइप के बैक्टीरिया के लिए। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है यहाँ पर भी अगर इस डिफरेंशियल मीडियम में ग्रो करेंगे तो दो अलग अलग टाइप के कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाई देते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर कॉलोनी कलर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी हैव टू आइडेंटिफाई अ बैक्टीरियल स्पीसीज डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ कॉलोनी दैट इज प्रोड्यूस्ड। किस टाइप का कॉलोनी कलर यहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, और ये प्रॉपर्टी टोटली बेस्ड है इस मैकॉन के अगार में प्रेजेंट रहने वाले एक की फैक्टर पे, लैक्टोज। ओके, दिस लैक्टोज इज प्रेजेंट इन मैकॉन की अगार। कहाँ प्रेजेंट होगा, मैकॉन की अगार में। एंड डिपेंडिंग ऑन दिस एबिलिटी लैक्टोज, द बैक्टीरिया आर नाउ कैटेगराइज इंटू टू टाइप एज लैक्टोज फर्मेंटर, जो लैक्टोज को फर्मेंट करेंगे, एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। दो अलग अलग टाइप है, लैक्टोज फर्मेंटर एंड लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। जो बैक्टीरिया लैक्टोज को फर्मेंट कर सकते हैं, दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस पिंक टाइप ऑफ कॉलोनीज ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। So we can directly identify those bacteria like E. coli can ferment lactose and appear as pink type of colony on the surface of Meconchi agar, while other type of gram-negative bacteria which cannot possess the ability to ferment lactose, बाकी type के जो भी gram-negative bacteria है जिनके पास lactose को ferment करने की ability नहीं है, these bacteria produces a generalized white टू पेल कलर कॉलोनीज एंड अपियर एज लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। किस तरह से अपियर होते हैं, लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। ओके, सो बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और एबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज, अगर उस बैक्टीरिया में लैक्टोज को फर्मेंट करने की एबिलिटी है तो यहाँ पर उस बैक्टीरिया के कॉलोनीज पिंक कलर के आते हैं, पिंक कलर्ड कॉलोनीज तैयार होते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया लैक्टोज नॉन फर्मेंटर है ग्राम निगेटिव के ही केस में, कोलीफॉर्म के ही केस में, तो उनके कॉलोनीज यहाँ पर तैयार होते हैं वाइट और पेल। इट मीन्स वी कैन ईजीली डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन अ सर्टन कैरेक्टर, लाइक धिस पर्टिकुलर स्पेसीज इज लैक्टोज फर्मेंटर एंड धिस स्पेसीज इज लैक्टोज नॉन फर्मेंटर। इस टाइप का जो डिफ्रेंशिएशन कैरी आउट किया जाता है इसे कहा जाएगा डिफरेंशियल मीडिया। इट ऑल्सो यूज एज द सिलेक्टिव मीडिया, इसे सिलेक्टिव मीडिया के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। काफ़ी सारे टाइप के ऐसे मीडियम लेबोरेटरी में होते हैं, लाइक ईओसिन मिथिलिन ब्लू, EMB अगार, अगेन फॉर द आइसोलेशन ऑफ ग्राम निगेटिव कोलीफॉर्म बैक्टीरिया। एक और मीडियम प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज EMB अगार। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द सिलेक्टिव आइसोलेशन ऑफ इशर्शिया कोलाय, विच प्रोड्यूसेस अ कॉलोनीज विथ ग्रीन मेटेलिक शीन। एक ग्रीन मेटालिक शीन के टाइप के कॉलोनीज तैयार करते हैं इस EMB अगार के सरफेस पे। तो नेक्स्ट टाइप हो गया हमारा अ डिफरेंशियल टाइप ऑफ मीडियम। ओके,
अब रिमेनिंग जो भी टाइप है ये काफ़ी सिंपल टाइप है, इसके आगे जो मेन टाइप आएगा हमारा इट इज़ कॉल्ड एज ऐसे मीडिया, द मीडियम विच आर यूज टू कैरी आउट डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसेज। ओके, अगर हमें अलग अलग टाइप के माइक्रोबियल ऐसे कैरी आउट करना है तो वहां पर एक अलग टाइप का मीडियम यूज किया जाएगा, उसे कहा जाता है ऐसे मीडियम। ठीक है, लाइक इन केस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट जब होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल में भी मीडिया यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे टाइप के मीडियम यूज़ हो गए। वी हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मीडियम, फ्लूविड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, पहला मीडिया आता है हमारा फ्लूविड थायोग्लाइकोलेट एंड सेकेंड टाइप ऑफ मीडियम इस कॉल्ड एज सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। बोथ मीडियम फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडिया एंड सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया, इन शॉर्ट दे आर रेफर्ड एज FTM फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम एंड सेकेंड SCDM सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। बोथ मीडिया आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, जहाँ FTM यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट यूज़ किया जाता है डिटेक्शन ऑफ फंजाई इन फाइनलाइज्ड प्रिपरेशन एट इंडस्ट्रियल लेवल ड्यूरिंग देयर क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। इन दो मीडिया को अगर उस प्रिपरेशन में किसी टाइप का कंटेमिनेशन फॉर्म में बैक्टीरिया प्रेजेंट है या फिर फंजाई प्रेजेंट है ड्यू टू द प्रोडक्शन एरर ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग एरर, इफ़ द फाइनलाइज्ड प्रिपरेशन चाहे टैबलेट हो या किसी भी फॉर्म में प्रेजेंट रहने वाले डोसेज फॉर्म्स हो, इन सभी को एग्जामाइन किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल में बिफोर देयर फाइनल डिस्पैच इन टू द मार्केट। ठीक है, मार्केट में डिस्पैच करने से पहले उनका एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर एक ऐसे मीडिया यूज़ किया जाएगा, अ टाइप ऑफ माइक्रोबियल ऐसे मीडिया, फ्लूविड थायोग्लाइकोलेट मीडिया एंड सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडिया, बोथ आर यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई इन आवर फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट। इसे हम क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। ओके, इसी के साथ अलग अलग टाइप के ऐसे मीडिया है, माइक्रोबियल ऐसे परफॉर्म करते हैं, लाइक वी हैव टू परफॉर्म द ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऐसे मीडिया, इट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मीडियम विच यूज टू डिटरमाइन द अमाउंट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक दैट हैज टू बी यूज अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, अगर हमें किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए या किसी बैक्टीरियल स्पेसीज के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक यूज़ करना है तो उस एंटीबायोटिक का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा मिनिमम टू मैक्सिमम, ये जो रेंज है इस रेंज को एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी टेस्टिंग की जाती है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंटीबायोटिक ऐसे मीडियम। काफ़ी सारे कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करते हैं, उनके लिए हम यूज़ करेंगे एंटी माइक्रोबियल ऐसे मीडियम। ओके, इट इज एंटी माइक्रोबियल ऐसे मीडिया। अलग अलग टाइप के माइक्रोबियल ऐसे होते हैं टू डिटेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर, इसे हम कहते हैं पोटेबिलिटी ऑफ वाटर, जो एक बायोलॉजिकल इंडिकेशन होता है प्रेजेंस ऑफ बायो लोड, वह बायो बर्डन, किस टाइप के बैक्टीरिया वहाँ पर प्रेजेंट है, उस बैक्टीरिया का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उनका अमाउंट कितना है एंड वेदर दैट सैम्पल ऑफ वाटर इज पोर्टेबल और नॉट, उसे हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे, उस इंडिकेटर के फॉर्म पर वहाँ पर बायो बर्डन या बायो लोड किस तरीके से प्रेजेंट होगा अलग अलग पैथोजेनिक बैक्टीरिया का, और वहाँ पर भी एक अलग टाइप का बैक्टीरियल सैम्पल जिसे टेस्ट करने के लिए यूज़ करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मीडिया। सो इस टाइप के मीडियम को कहना है हमें ऐसे मीडियम। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मीडिया इज यूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन लैबोरेटरी कंडीशन।
उसे कहेंगे हम स्टोरेज मीडिया, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया, अलग अलग टाइप के स्टोरेज मीडिया है, इन्हें हम लैबोरेटरी में स्टोर करेंगे। जनरली दे गेट स्टोर्ड इन लैबोरेटरी और एट इंडस्ट्रियल लेवल। इंडस्ट्रियल लेवल में भी इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टोर किया जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, जहां फर्मेंटेशन प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, इन केस ऑफ वाइनरीज और अदर फूड इंडस्ट्रीज विच एम्प्लॉय द यूज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहां पर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर जो भी है इसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज मीडिया यूज किया जाएगा। एंड द लास्ट वन दैट इज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। सबसे आखिरी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा ट्रांसपोर्ट मीडियम। दिस मीडियम इज यूज ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल, ट्रांसपोर्ट ऑफ माइक्रोबियल सैंपल फ्रॉम वन लैबोरेटरी टू अदर। अगर हमें इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी बैक्टीरियल सैंपल को किसी और लैबोरेटरी में भेजना है, ओके, तो ऐसे कंडीशन में जो मीडिया यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पर इन मीडियम को फॉर मल्टीपल डेज, ओके, यहाँ काफ़ी सारे दिन लग सकते हैं एक लैबोरेटरी से दूसरे लैबोरेटरी तक रीच होने में, तो इस कंडीशन में जो मीडिया यूज़ किया जाता है उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट मीडिया, विच इज जनरली यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आइसोलेटेड माइक्रोबियल सैंपल और डिटेक्टेड माइक्रोबियल सैंपल इन डिफरेंट लैबोरेटरीज, ओके। सो ये अलग अलग टाइप के जो मीडियम हैं, ये सभी मीडियम सिंथेटिक टाइप के मीडियम होते हैं, कलेक्टिवली इन्हें सिंथेटिक मीडिया कहा जाता है। तो ये हो गए हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम, स्टार्टिंग विथ द बेसल मीडियम। बेसल मीडियम से स्टार्ट किया था, फिर हमने देखा है कॉम्प्लेक्स मीडियम, नॉन सिंथेटिक टाइप ऑफ मीडियम, एंड लास्टली द सिंथेटिक टाइप ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम। तो इतना पार्ट आता है हमारा कल्टीवेशन ऑफ बैक्टीरिया। सो अलॉन्ग विद दिस न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये जो कंसेप्ट हमने देखे हैं, ऑल दिस कंसेप्ट आर बेसिकली रिलेटेड विद द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द नीड, हमें आइसोलेशन करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें स्टोर करना है, हमें कोई ऐसे परफॉर्म करना है, इस कंसेप्ट पर अलग अलग टाइप के बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया यहाँ हमने स्टडी किए हैं। अलॉन्ग विथ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, बैक्टीरियल स्पेसिस ऑल्सो नीड डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल कंडीशन फॉर देयर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब भी इन्हें हम लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करेंगे, ये न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के साथ ही हमें अलग अलग टाइप की फिजिकल कंडीशन, जैसे वी हैव टू प्रोवाइड द रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी हैव टू मेंटेन द पीएच ऑफ दैट बैक्टीरियोलॉजिकल मीडियम, वी हैव टू मेक श्योर दैट सप्लाई ऑफ गैसेस इफ दे आर एरोबिक एंड इफ दे आर एनारोबिक आर प्रॉपर ड्यूरिंग देयर कल्टिवेशन, ये जो भी फैक्टर है कलेक्टिवली इसे कहा जाता है द फिजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। और इसके काफ़ी सारे पैरामीटर होते हैं, फिजिकल पैरामीटर होंगे, सो दीज फिजिकल पैरामीटर विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ बैक्टीरिया, वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स, जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल पैरामीटर सबसे पहला आएगा टेम्परेचर, द फर्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल पैरामीटर टेम्परेचर आएगा, द रेंज ऑफ टेम्परेचर, सेकंड फिजिकल पैरामीटर द पीएच ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में इस बैक्टीरिया को ग्रो किया जाएगा उस मीडियम का पीएच, द थर्ड वन गैसियस रिक्वायरमेंट, एंड देन वी हैव द ऑस्मोलैरिटी
और स्मोलैरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बैक्टीरिया के ग्रोथ में. सो ये जो भी फैक्टर्स हैं, फिजिकल फैक्टर विच शो द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ये सभी एक रेंज में प्रेजेंट होंगे. लाइक वी हैव अ रेंज ऑफ टेम्परेचर, वी हैव अ रेंज ऑफ पीएच, इनकी एक रेंज होती है. इन केस ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, दिस रेंज फॉल्स बिटवीन थ्री डिफरेंट वैल्यूज, मिनिमम टू मैक्सिमम. ओके, मिनिमम टू मैक्सिमम, लाइक द मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बैक्टीरिया. किसी बैक्टीरिया को ग्रो करते समय मिनिमम टेम्परेचर हमें कितना प्रोवाइड करना है, क्योंकि इन्हें हम लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करते हैं, इन्हें हम आर्टिफिशियल कंडीशन इन विट्रो टेक्निक से ग्रो कर रहे हैं. तो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड, लाइक द मिनिमम पीएच ऑफ मीडियम वेयर बैक्टीरिया शो देयर ग्रोथ, जहाँ बैक्टीरिया ग्रो होते हैं, यहाँ से शुरू होकर ये रेंज कहाँ तक जाएगी, द मैक्सिमम वैल्यू, उस पैरामीटर की मैक्सिमम वैल्यू, लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर, द मैक्सिमम पीएच, एंड इन बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम वी हैव अ सर्टन पॉइंट विच इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम. ये तीन अलग अलग वैल्यूज होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम एंड थर्ड वन ऑप्टिमम. मिनिमम द लेवल एट विच, मिनिमम लेवल जिसके बियॉन्ड, जिसके बिलो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी. मैक्सिमम द हाईएस्ट वैल्यू जिसके बियॉन्ड बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी. और ऑप्टिमम इस रेंज का ऐसा कोई पॉइंट जिस पॉइंट पे बैक्टीरिया शोज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट. ओके, वेयर वी ऑब्टेन हाईएस्ट रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अगर टाइम के साथ कंपेयर किया जाए तो इन पैरामीटर्स की ऐसी एक वैल्यू, ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट, लाइक टेम्परेचर पॉइंट है, टेम्परेचर वैल्यू है, या पीएच वैल्यू है, जहाँ पर उस बैक्टीरियल स्पीसीज का जो रेट ऑफ ग्रोथ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये सबसे हाईएस्ट होगा. ये हमें फिजिकल पैरामीटर्स में स्टडी करना है. देन द सप्लाई ऑफ गैसियस रिक्वायरमेंट, एंड लास्ट में हमारे पास आएगा ऑस्मोलैरिटी. क्या आएगा लास्ट में? वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोलैरिटी. सो कलेक्टिवली ये सभी जो कंसेप्ट है, इन सभी कंसेप्ट को हमें स्टडी करना है दैट पर्टिकुलर रेंज कॉल्ड एज फिजिकल पैरामीटर्स. तो इन सभी कंसेप्ट को हम हमारे अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे. ओके स्टूडेंट्स.